शनिवार वाड़ा, ये एक ऐतिहासिक महल है। मराठा साम्राज्य के टाइम ये आन बान शान हुआ करता था। आज से 250 साल पहले इस महल में एक ऐसी घटना घटी थी जिसका गूंज आज भी सुनाई देती है और अमावस्या के रात में बहुत। शनिवार वाड़ा जो कि पुणे सिटी के अंदर है, अगर आप पुणे बाई एयर आना चाहोगे तो एयरपोर्ट से ये शनिवार वाड़ा अप्रोक्सली 12 किलोमीटर है। अगर ट्रेन में आओगे पुणे स्टेशन और स्टेशन से शनिवार वाड़ा अप्रोक्सली 5 किलोमीटर है। लेकिन आज हम लोग दोस्तों बस में जाएंगे। हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का 10 बज चुके हैं। अभी मानसून का टाइम है, बारिश हो रही है दोस्तों बाहर। बारिश के मौसम में हम लोग अभी निकल चुके हैं शनिवार वाड़ा की ओर जो पुणे सिटी में है, और बारिश का मौसम है तो बस से हम लोग बारिश का मज़ा ले रहे हैं। और जो रोड भी है थोड़ा आप लोगों को दिखाते हुए शनिवार वाड़ा की ओर लेके चलेंगे दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं शनिवार वाड़ा में। दोस्तों ये है मेन गेट है, ये कुछ इस टाइप का है बाहर का एरिया, एकदम रोड के किनारे में है। ये पार्किंग एरिया है और अभी ये रास्ता है, इसमें हम लोग जाएंगे अभी। अभी चलो नज़दीक में जाके शनिवार वाड़ा का पूरा व्यू और अभी कैसा है कैसा दिखता है सब कुछ दिखाएंगे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों देखते रहिए वीडियो। दोस्तों ये टिकट काउंटर है, इंडियन सिटीजन के लिए 25 रुपया और फॉरेन सिटीजन के लिए 300 रुपीज़ और बिलो 15 ईयर्स फ्री है। दोस्तों मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव पेशवा ने ये करवाया था। 1732 साल में ये तैयार हो गया था और ये करीब करीब ये 16,000 रुपीज़ खर्च हुए थे ये शनिवार वाड़ा बनाने के लिए। उस समय इस महल में करीब 1000 लोग रहते थे। इस महल शनिवार के दिन प्रतिष्ठा किया था इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा रखा हुआ है और शनिवार वाड़ा नाम से ये खेती हो गया है। दोस्तों हम लोग पहुंचने के बाद देखा यहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों, ये जो आपको दीवार दिखाई दे रहा है ये दरवाज़ा है, कितना बड़ा बड़ा कील जैसा लगा हुआ है और कितना हार्डली ये पत्थर है और कितना अच्छे से बनाया हुआ है दोस्तों। ये एक्चुअली 7 मंजिला था और अभी तो सिर्फ 1 मंजिला बचा है दोस्तों ये अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं। अभी इसमें ये जो अंदर आने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखता है दोस्तों अभी। लेकिन इसके लेफ्ट साइड में एक दरवाज़ा है, वहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे 4-5 दरवाज़ा है दोस्तों, नारायण प्रवेश द्वार है, मस्तानी दरवाज़ा है, खिड़की दरवाज़ा है, तो सब कुछ दिखाएंगे दोस्तों आपको। दोस्तों अभी हम लोग जाते ही फास्ट में देखा ये जो आपको जगह दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये छोटा छोटा खिड़की जैसा और छेद जैसा सुनने में आया दोस्तों। यहाँ पे बोला यहाँ पे पत्थर रखा रहता था और ये जो है दुश्मन कोई भी अगर अटैक करता था तो यहाँ से गर्म पानी डालता था, भाला वगैरह फेंकते थे यहाँ से, और दोस्तों यहाँ पे पत्थर रखते थे और पत्थर से मारता था। यहाँ पे सुनने में ऐसे आया, गाइड लोग बताया। और अभी यहाँ से पूरा फ्रंट दिखाई देता है दोस्तों, ये हर कोने में आपको ऐसा मिलेगा चारों साइड में, क्योंकि कोई भी दुश्मन आएगा तो ये यहाँ से देखभाल के लिए ये बनाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है। और एक्चुअली ये 7 मंजिल था, अभी तो सिर्फ 1 मंजिल बचा है इसका। दोस्तों हम लोग ऊपर उठने के बाद कुछ वहाँ का जो व्यू है कुछ इस टाइप का है दोस्तों। अभी यहाँ से एक बैक साइड भी का व्यू भी आता है दोस्तों और फ्रंट साइड का भी व्यू आता है। ये 1st मंजिल है ये, और अभी हम लोग आपको ये जो फ्रंट साइड का जो व्यू है दोस्तों, फ्रंट साइड का व्यू दिखाएंगे अभी। ये जो है यहाँ पे रस्सी लगा हुआ है क्योंकि वहाँ से गिर ना जाए, इसलिए ये है दोस्तों आपको फ्रंट साइड का व्यू। अब व्यू आप फ्रंट साइड का दिखाते हैं दोस्तों, ये देखो कितना अच्छा लगता है यहाँ से, बहुत ही अच्छा नज़ारा है दोस्तों। ये कुछ इस टाइप इसलिए बना हुआ है ऊपर से क्योंकि जब बालाजी पेशवारा कुछ भी युद्ध करके जीत के आते थे तो ये यहाँ से फूलों का बारिश करता था इसलिए, और यहाँ से देखता था ये रानिया लोग, इसलिए यहाँ पे ऐसा करके रखा है दोस्तों। और यहाँ से जो देखो व्यू कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो बहुत ही अच्छा व्यू है। और अभी इसके बाद आप लोगों को लेके चलेंगे और भी, जिसको चारों साइड में जो है किला है सब कुछ दिखाएंगे आपको, चारों साइड कैसे बनाया हुआ है, दीवार है, दीवार भी दिखाएंगे अभी दोस्तों। उसके ठीक पीछे ये है, ये
यहाँ से आपको जो इसका आंगन है, पूरा आंगन का जो व्यू है, ये देखो ये आंगन है पूरा, इसका व्यू कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत ही नाइस व्यू। ये वहाँ से कुछ इस टाइप देखते हैं, देखो आप लोग यहाँ से पूरा दिखाई देता है पूरा आंगन, शनिवार वाड़ा का जो पूरा आंगन। दोस्तों ये चारों तरफ दीवार के दीवार देके रखा है दोस्तों, पूरा दीवार में घूमेंगे हम लोग और दिखाएंगे हर दीवार के कोने में क्या क्या है, सब कुछ दिखाएंगे, आप लोग देखते रहिए दोस्तों। और यहाँ पे थोड़े से हर कोने में ऐसा मसाल आपको मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि उस टाइम तो इलेक्ट्रिक नहीं था, तो इसलिए मसाल जला के पूरा किला को रोशनी, इसमें से रोशनी देता था, और इसलिए ये बनाया हुआ था उस टाइम। दोस्तों ये बहुत ही ऐतिहासिक महल था, और ये करीब 85 साल तक ये मराठा साम्राज्य पेशवा के अधिकार में ये रहा था, बट 1818 ख्रीस्टाब्द में इंग्रेज ने ये अपना अधिकार जमा लिया, और भारत की आज़ादी तक ये उसके अधिकार में रहा था। दोस्तों उसके बाद ये पता नहीं चला ये क्या है, बहुत लोगों को पूछा लेकिन कोई बोल नहीं पाया दोस्तों, लेकिन इसको सीमेंट से इसको कवर करके रख दिया है, क्या है कुछ था इसमें, लेकिन इसको अभी बंद करके रख दिया है। कहते हैं कि इसी महल में 30 अगस्त 1773 में 73 की रात अमावस्या की रात था, 18 वर्षीय नारायण राव को षड्यंत्र करके हत्या कर दी गई थी। नारायण राव 9वें मराठा पेशवा था, और उसके चाचा ने हत्या करवाई दी थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी अमावस्या की रात में इस महल से दर्द भरी आवाज़ सुनाई देता है दोस्तों, बचाओ बचाओ, वो आवाज़ नारायण राव की है। ये जो किला है दोस्तों, किला के हर चारों कोने में आपको इस टाइप का मिलेगा, आपको हर कोने में ऐसा बनाया हुआ है। दोस्तों ये 1828 में इस महल में आग लग गई थी, स्थानीय लोगों का कहना है, आग कैसे लगा अभी तक किसी को पता नहीं चला दोस्तों। और ये 7 मंजिल था इसमें, अभी तो सिर्फ 1 मंजिल बचा है दोस्तों, और अभी तक किसी को पता नहीं चला कैसे आग लगी थी, कैसे क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। दोस्तों जो किला है, किला के लेफ्ट साइड में एक दरवाज़ा है जो मस्तानी दरवाज़ा नाम है इसका, इस दरवाजे में अभी बंद है, अभी कोई यहाँ पे आता नहीं है। जो बाजीराव मस्तानी बॉलीवुड में एक मूवी आया था, उस मूवी में ये शनिवार वाड़ा का बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ये मस्तानी दरवाज़ा है ये। दोस्तों ये भी एक दरवाज़ा है, इसको बोलता है खिड़की दरवाज़ा, और ये भी एक दरवाज़ा है खिड़की दरवाज़ा।
दोस्तों पूरा दरवाज़ा दिखाने के बाद अभी आंगन की ओर चलते हैं दोस्तों। आंगन में देखते हैं क्या क्या है। दोस्तों आंगन में इस टाइप है, कुछ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आंगन कुछ इस टाइप है और इसका एक 360 डिग्री दिखाएंगे, इसका व्यू दिखाएंगे दोस्तों। आप लोग देखते रहें और साथ में रहें। आई होप आप लोगों को ये शनिवार वाड़ा का जो एक्सप्लोर है और ये शनिवार वाड़ा का जो व्यू है आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके रखें पक्का चैनल को। और आपको मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। चलो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।